एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो मैंने एक चीज़ बनवाई है, मेरी एक स्टूडेंट है बहुत अच्छी और बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह करती है, कैलीग्राफी करती है, पेंटिंग्स भी करती है। तो मैंने उससे घर के लिए, घर के जो बाहर वाली दीवार है उसके लिए एक चीज़ बनवाई है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए क्या चीज़ है, ये है पाँच जो है ये इसकी है, जिस पे उसने कितने अच्छे से पैक किया है, थैंक यू लिखा है और ये बना के दिया है। तो अब सबसे पहले जो है मैं इसमें खोलती हूँ ये वाला। मैंने इस बच्ची से जो है वो नाम लिखवाए हैं, और जो मेरे घर में जो दीवार है अंदर दाखिल होने से पहले ब्राउन कलर की, वहाँ पर ये मैं नाम लगाऊंगी, ताकि उससे ये होगा कि अच्छा जो इस घर के मकीन हैं उनके क्या नाम हैं और कितने लोग रहते हैं, दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, बच्चों का ज़रूर साथ दें। ये देखिए, ओह दिस इज मी, ओह इब्राहिम, और ये ताई अम्मी का नाम। तो जनाब अब ये हम जा रहे हैं लगाने, हम पांच मकीन। और ये लास्ट हो, ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने जहाँ सोचा था इसको लगाने के लिए मुझे वहीं लगाना है। तो अब देखना ये कि वहाँ पे टिक सकती है। अच्छा तो जनाब ये बॉल है जी, जी ठीक है, ठीक है, डन। सिम्बा जो है वो आज हम सब बाहर हैं तो ये भी खेल रहे हैं। चिंबू मज़ा आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, बेबी को अच्छा लग रहा है, और सिम्बा जो है वो मैच कर गए इन पेंटिंग्स के साथ। ये लास्ट वन लग गई है बस कोशिश यही है, दुआ यही है कि ये लगी रहे सारी। और ये देखिए इसका ये
so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. तो जनाब, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब घर में कोई छोटा मोटा काम होता है, मिस्त्री का, प्लम्बर वग़ैरह का, तो जो है आपको पता है कि उसके लिए जो है ख़वातीन को अंदर भेज दिया जाता है कमरों में, और ये सारे काम जो हैं वो ख़ुद से मर्द हज़रात करवाते हैं। तो इत्तफ़ाक़ से मेरा भी उस दिन स्कूल ही था, लेकिन फरहान घर पर थे तो उन्होंने जो है इसकी वीडियो बनाई और बहुत शौक़ से कहा कि मैंने वीडियो बनाई है और तुम इसको अपलोड करो उस पर, यूट्यूब पर। तो मैंने कहा चलें जनाब, आप लोगों को भी दिखाएं, और मेरे लिए भी ये नया ही वो था एक्सपीरियंस कि चलें जनाब देखते हैं किस तरह से हैंडल लगता है। ये वाले जो दरवाज़े हैं छोटे शटर के अलावा, इसमें जो है ना ना लॉक था और ना जो नहीं लॉक तो था, हैंडल नहीं था, और ना ये जो आप देख रहे हैं लाइट सा वाइट जो पैक वो लगा है प्लास्टिक, वो भी नहीं था। तो ये प्लास्टिक ताकि कुछ नज़र ना आए, बाहर से पर्दा भी हो जाए, और ये हैंडल ये हमने ख़ुद लगवाया है। और आपको पता है कि जब आप घर वग़ैरह लेते हैं तो उसमें हज़ारों चीज़ें निकल ही आती हैं जो इंसान अपनी सहूलत के लिए उसको लगवाता है। तो उनमें से जो है ये एक हैंडल भी, और यकीन कीजिए कि इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। अच्छा जनाब, ये जो है हम गए थे अबाए लेने, और दो चार महीने बाद जो है वो नया एक अबाए का वो चढ़ता है शौक़, और ज़रूरत भी निकल आती है कहीं ना कहीं से। तो ये जो अबाया है ना, ये है तुबली में, और ये अबाए की शॉप मुझे अच्छी लगी थी, और यहाँ के जो अबाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। बहन को साथ लेके गई थी कि चलो भाई तुम भी कोई अबाया पसंद करो। ये काम मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मैं ये काम पट्टियों पर बनवाऊँ ऐसे ही बनवाऊँ, अच्छा लग रहा है ये काम। लेकिन जो मेरा अबाया है ना, उसमें फिर मैं बताऊंगी कैसे बनाना है, ठीक है? ये आपने ही बनाया ना काम? ये मुझे अच्छा लग रहा है, सिंधी स्टाइल का है। ये देखें, ये इस पर वाइट कलर का है, अगर शादियां वगैरह में पहनना हो तो ये अच्छा लग रहा है, हल्का सा ना ऊपर से डालने के लिए। इसमें डिज़ाइंस अच्छे हैं, और ये मोस्टली जो मैं अबाया पहनती हूँ, ये देखें, अगर आप लोग जो हैं वो शादी वगैरह में जा रहे हैं और आपको नहीं उतारना और अगर आपको अबाया नहीं उतारना, तो आप इस तरह का भी खूबसूरत अबाया पहन के जा सकते हैं, और इसके लिए कलर्स भी अलग अलग हैं। इन शॉप्स की अच्छी बात ये होती है कि इन्हीं के पास जो है वो मटेरियल भी निकल आता है और डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं, और ये वही चीज़ रखते हैं जो इनके लिए बहुत आसानी हो बनाने में। याद रखिएगा कि जो जिस चीज़ की महारत रखता है ना, वो उसी से काम लें। अबाया वाला जो है ना, जो कमीज़ शलवार सीते हैं टेलर्स, वो अबाए अच्छे नहीं बना सकते, ना ही वो ब्लाउज़ेज़ अच्छे बनाते हैं साड़ियों के। इंडियन टेलर मिल जाए, उससे साड़ी के ब्लाउजेज़ बनवाएं, बेल्ट लगवाएं। अबाए वाले से कभी कमीज़ शलवार मत सिलवाइएगा, और कमीज़ शलवार जो सीते उनसे कभी अबाया मत बनवाइएगा, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है सिलाई में। तो इसीलिए जब भी आपको अबाया बनवाना हो, खालिस जो है वो अबाए वाले की ही दुकान पे जाइए। और ये देखिए, इतने सारी जो है ये पट्टियाँ हैं खूबसूरत सी, और मुझे बस ये डिज़ाइन अच्छा लगे था, तो फिर मैं यही सोच रही थी कि कौन से जो है, मैंने यहीं से कपड़ा पसंद किया, कलर पसंद किया, डिज़ाइन मेरा अपना एक है, और इस पर मैंने ये पट्टियाँ लगवाई हैं। इंशाल्लाह अनकरीब आप जल्दी ही जो है ना मुझे सबाए में देखेंगे। चले जनाब, अब आ जाती है बात शादी खाना आबादी की, और आपके साथ जो मैंने शेयर किया था पहले ग्रूम्स शावर, यानी जो एक मेरी सहेली ने अपने भाई के लिए खुशी रखी थी घर में अपने, उसका जनाब ये आ गया है पार्ट टू। और आज जो है वो वलीमे की तकरीब है, और तकरीब जो है वो है मरमरीज रेस्टोरेंट, और जो इनके वेडिंग हॉल्स हैं उसमें, शादी के जो हॉल्स होते हैं।
तो हमारे मेरे लिए ये तजर्बा नया था, क्योंकि मैं मरमरीज़ जाती थी रेस्टोरेंट में खाना खाने, लेकिन मैंने कभी जो है वो शादी हॉल देखा ही नहीं था। तो मेरे लिए टोटली जो है वो डिफरेंट एक न्यू एक्सपीरियंस था, नया तजर्बा। तो इसकी जो पार्किंग तो सेम है, लेकिन जो इसका अंदर दाखिल होने का रास्ता है वो और जो बिल्डिंग है वो दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। तो रश हो गया था, क्योंकि माशाल्लाह से सभी जो हैं वहाँ पर, जो कार्ड आया था उससे पता चला था कि 4 शादी हॉल्स हैं यहाँ पर, तो इस वजह से रश था। और हमारा जो था वो हॉल नंबर 1 था, और मैं जो लिफ्ट है वो कॉरिडोर जो है वो थोड़ा सा शेबी है। और जनाब जब मैं अंदर दाखिल हुई लिफ्ट से निकली, तो इतना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एलिस इन द वंडरलैंड वाला मेरे साथ मामला हुआ था, कि बिल्कुल ही अलग जो है वो माहौल और ख़ूबसूरती थी। तो जनाब ये जो है जगह है शादी हॉल की, जिसमें मैं जाऊंगी, और बहुत ख़ूबसूरत और बहुत अच्छा बनाया था। ये जो लवाजमात हैं ये जो हैं हर वक्त जो है वो आपकी टेबल पर होते हैं। टेबल जो है वो 7 से 8 यहाँ कुर्सियाँ रखी हुई थीं, और यहाँ पर जो है वो चाय, कहवा और स्नैक्स वग़ैरह थे। चलें आइस वो पीते हैं अब। हाँ मैं पीती हूँ। आपके हाथ इतने अच्छे लग रहे हैं इसमें वीडियो में। हाँ आपके हाथ आ रहे हैं अच्छे से। फ्रेंड की फूफी थी जो कि बहुत अच्छे से जो है वो मुझसे बात कर रही थी, सर्व कर रही थी, और इनसे मैं ग्रूम्स शावर पे भी मिली थी और मुझे बहुत मज़ा आया। और जनाब बस ये ढोल बजे जा रहा था, और दूल्हे के जो सारे रिश्तेदार थे शौक़ से, दोस्त यार वगैरह जो है भंगड़ा डाल रहे थे। और जिस तरह से पहले ज़माने में बारात आती थी और गली वगैरह से ख़वातीन वगैरह झांकती थी देखती थी, तो जनाब सिलसिला कुछ यूँ है कि सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी, और वो जो एक स्मोकी एनवायरनमेंट सा बनाते हैं वो इन्होंने इफ़ेक्ट जो है वो दिया था, और उसकी बल्कि मशीन भी चली आ रही थी वीडियोज़ वग़ैरह के लिए। और जितनी भी ख़वातीन थी वो उठ के जा रही थी और देखने दुल्हा और दुल्हन को। मीठा मैंने पहले ले लिया था, क्योंकि जो खाना था उसकी जो लाइन है वो ज़रा लंबी थी, तो मैंने कहा चले अभी मीठे पे कोई आया नहीं है तो मीठे की वीडियो पहले बना लेते। वैसे भी मैं खाने से पहले जो है वो मीठा खाती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरा मीठे का दिल नहीं चाहता। तो जनाब ये सारा मीठा था। सॉफ़्ट ड्रिंक में जो है इन्होंने ये शरबत रखा था जो कि 2 तरीक़ों का था, और मुझे जो है वो अनार का अच्छा लगा। इसकी जगह इन्होंने जो है वो कोक या स्प्राइट वग़ैरह नहीं रखी थी, जो कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। तो जनाब चखना तो इसको भी था कि देखें ये कैसा बना है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा ले लिया। अच्छा इनकी जो प्लेट्स हैं ना वो छोटी हैं थोड़ी सी, तो मैंने क्या किया मैंने 2 प्लेट्स ली थी, और एक में मैंने सारी सैलड रखी थी और एक में मैंने खाना रखा था, ताकि क्योंकि ये थोड़ा सा जो है हमारे जहाँ सीटिंग थी वहाँ से दूर था, तो इस वजह से हमने जो है वो पहले ही ले लिया। लेकिन ये मेरी प्लेट नहीं है ये दूल्हा दुल्हन की प्लेट है, और यहाँ से जो है बस मैंने अपने लिए प्लेट्स बना ली थी दोनों, उनको मैंने साइड पर रख दिया टेबल पर, और फिर जो है वो जनाब आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। और खाना बहुत मज़े का था, और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, जिसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली ये 2 चीज़ें मैंने नहीं खाई। और अभी आप देखिएगा मेरी प्लेट तो आपको अंदाज़ा होगा।
क्योंकि आप इतने उसमें जो है इतनी सारी चीज़ें नहीं खा सकते। लेकिन मैंने ये पालक पनीर लिया था, मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ये खाऊं, हमारे घर ये नहीं बनता। कोरमा जो था वो मटन का था, बहुत लजीज था, बहुत बड़े दिनों बाद खाया। बारबेक्यू भी थोड़ा सा लिया और खाना बहुत अच्छा था। और जनाब ये है मेरी प्लेट, ये है मेरे खाने की प्लेट जो कि आप देख सकते हैं, और उसके बराबर में सैलेड है क्योंकि मुझे सैलेड खाने का बहुत दिल चाह रहा था और बड़ी टेम्पटिंग सी थी ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा ड्रेस था जो मैंने पहना था, आपने मुझे अबाए में देखा, थोड़ी सी देर के लिए मैंने अबाया उतारा था। और जनाब ये हम लोग बस जब निकल रहे थे तब की हमने एक जल्दी से तस्वीर ले ली थी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और बड़ी ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो आनी है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।